हेलो वंजहन। तो आज डेट है 4 अगस्त 2024 और आज हुआ है CAPF का एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया है हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आइए डिस्कस करते हैं, उसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं आज के CAPF के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट। द एबोलिशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वॉज रिकमेंडेड बाय द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। यस, इट इज़ राइट। अगर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करें तो 2005 में ये रिफॉर्मेशन मतलब ये जो रिफॉर्म्स कमीशन आया था ये 2005 में आई थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। और इसके अगर चेयरमैन की बात करूँ तो उनका नाम था वीरप्पा मोइली। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 2005, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अच्छा आपको पता है RTI की फ़ीस क्या होती है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कौन से आंसर सही हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेड गियर या फिर हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग 4th to 7th century AD। तो हेयर स्टाइल के बारे में है ये, देर वॉज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस एज, ये स्टेटमेंट सही है। सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वेमेन, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंडन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, बिल्कुल सही है। तो अगर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो लंदन में हुई थी। जो डेट है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, ये डेट थी और इसमें INC और गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो द डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो एक्चुअल में ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें इस एक्ट की तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो जेल में थे और INC ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा आउटकम्स इसके निकल के नहीं आए। बट एक इम्पॉर्टेंट आया कि इस डिस्कशन के बाद में, इस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक वाइट पेपर जारी किया गया, एक रिकमेंडेशन था उसमें, एक वाइट पेपर 1933 में पब्लिश किया गया और उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। ठीक है, तो पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वन मिनट, ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एक्ट की बात करें तो दिस एक्ट एक्चुअली गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। ठीक है, ऑटोनॉमी दी गई थी और अधिक दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, द गवर्नर वॉज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंस, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें जो गवर्नर हुआ करता था उसको हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उससे पावर्स खींच ली गई थी, उसमें पावर और भी ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट जो स्टेटमेंट्स है कौन सा है? ऑप्शन बी, ओनली 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टेक्स्ट एंड देयर सब्जेक्ट्स। तो तिलक मंजरी क्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है? नहीं। तिलक मंजरी की अगर बात करें तो ये लिखी गई थी धनपाल के द्वारा, ये एक पोइट थे। ठीक है, और इन्होंने चूँकि ये जो तिलक मंजरी लिखा, ये इन्होंने लिखा था जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी प्रेज़ में इसको लिखा हुआ था। फिर एक समय के बाद में क्या हुआ था, कुछ ऐसे केसेस हुए थे जिसमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जला दिया गया था, बट तिलक मंजरी जो कि धनपाल की पुत्री थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, आपकी मेहनत विफल नहीं होगी, मैंने क्या किया है, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा था मैंने पूरा याद कर लिया है उसको, और मैं आपको उसको 1 by 1 डिक्टेट करती हूँ, आप फिर से उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चूँकि वो तिलक मंजरी जो धनपाल की पुत्री थी उन्होंने उसमें काफ़ी हेल्प करी दोबारा से उसको क्रिएट करने में, तो इस बात से प्रभावित होकर के जो धनपाल थे उन्होंने इस पुस्तक का नाम ही अपनी बेटी के नाम पर तिलक मंजरी रख दिया। ठीक है, और वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो बुक जो है वो प्रेज़ करती है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को। ठीक है,
दूसरा, तो ये तो करेक्ट है नहीं। दूसरा है निघंटू, ये बिल्कुल राइट है, इट इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन। अगर निघंटू की बात करें तो एक तरीके से ये डिक्शनरी टाइप की है मेडिसिन की, ठीक है। सो दूसरा करेक्ट है। तीसरा, अगर जानकी हरण की बात करें तो क्या लॉजिक से रिलेटेड है? नहीं। जानकी हरण जो है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जानकी हरण यानी कि माता सीता के हरण के बारे में ये पुस्तक है, तो इसको लिखा था कुमार दास ने, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कौन सा वाला सही पेयर है? तो वो है ऑप्शन बी, टू ओनली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रदमन इन द ईयर 72 ऑफ द शक एरा देयर अकर्ड अ टेरिबल स्टॉर्म। व्हाट वुड बी द टाइम इन सीई यानी कि कॉमन एरा, यानी कि आज का जो समय है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट टेरिबल स्टॉर्म। तो देखो, इस क्वेश्चन से एक इन्फॉर्मेशन भी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है कि सन 72 ऑफ शक एरा रुद्रदमन के समय पे एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था, ठीक है। और ये कहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शक एरा का 72 था वो कॉमन एरा के हिसाब से कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको बात करें तो शक एरा और विक्रम एरा दो फेमस कैलेंडर्स हैं। तो जो शक एरा होता है ना, शक एरा 78 ईयर्स पीछे चलता है, ठीक है। यानी कि अगर आज 2024 चल रहा है, ठीक है, तो जो शक एरा होगा वो -78 होगा, ठीक है। तो -78 यानी कि 1946 शक एरा इस समय चल रहा है। तो अगर ये 72 था तो ये तो पिछले ऑलरेडी शक एरा की बात कर रहा है, बट हमें कन्वर्ट करना है इसको कॉमन एरा में, तो इसमें 72 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 72 में 78 ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 150 कॉमन एरा, ठीक है। तो 72 शक एरा जो है वो 150 कॉमन एरा हुआ। और अगर हम बात करें विक्रम संवत की, तो जो विक्रम संवत होता है वो 57 ईयर्स आगे चलता है। यानी कि अगर अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, तो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? 2081, ठीक है, क्योंकि इसमें 57 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और शक संवत में क्या करते हैं, 78 माइनस कर देते हैं, तो 2024 चल रहा है, और तो शक संवत में क्या होगा, 1946, राइट, ओके। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब्दुल रजाक द ट्रैवलर टू विजयनगर अम्पायर हैड रेफर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट्स इन विजयनगर एंड नोटेड अ पर्टिकुलर फ्लावर दैट सीम्ड एज नेसेसरी एज फूड टू द पीपल ऑफ दैट पार्ट। विच वैरायटी ऑफ फ्लावर वॉज बींग रेफर्ड टू बाई अब्दुल रजाक। तो ये वही अब्दुल रजाक है जिसका पूरा नाम था अब्दुल रजाक समरकंदी, विजयनगर अम्पायर में इसने विजिट किया था। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अब्दुल रजाक ने एक फूल का डिस्क्रिप्शन दिया है अपने ट्रैवलॉग में, और कहा है कि वो फूल इतना इंपॉर्टेंट था वहाँ के लोगों के लिए जैसा कि भोजन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फ्लावर था वहाँ के लोगों के लिए। तो वो कौन सा फ्लावर है, जैस्मिन, लोटस, हिबिस्कस या रोज़? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रोज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये तो। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र द कंकर किंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इन द कंकर्ड टेरिटरीज अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन। तो कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से जब राजा किसी दूसरी टेरिटरी पे विजय पाता था तो वहाँ पे सोशल ऑर्डर किसके बेस पे वहाँ पे स्थापित करता था, वर्ण सिस्टम के हिसाब से या धर्म, वर्ण और आश्रम के हिसाब से, या धर्म के हिसाब से या फिर वर्ण और आश्रम के हिसाब से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अगर एंशियंट इंडिया की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, धर्म, वर्ण और आश्रम सिस्टम। तो इन्हीं तीनों के बेस पे वहाँ पे सोशल ऑर्डर जो राजा होता था वो स्थापित करता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग एराज इन अर्ली इंडिया, और इनका जो हमें बताना है राइट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो एराज कौन से हैं, शक एरा, कलचुरी एरा, विक्रम एरा, हर्ष एरा एंड गुप्ता एरा। तो देखो इसको ऐसे समझो, सबसे पहला एरा जो था वो था विक्रम एरा, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 57 एडी में, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो सबसे पहला क्या होगा, तीन। तो तीन जो है वो सिर्फ दो ऑप्शन में है, बी और डी में, ठीक है, बाकी का ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं अगला,
तो विक्रम एरा था 57 में और इसी के जस्ट कुछ समय बाद 78 एडी में कनिष्क ने स्थापित किया था शक एरा। ठीक है, तो 3 के बाद जस्ट 1, तो ये भी बी और डी दोनों में है। अब आता है कौन सा, एक्चुअली में इसके बाद में आता है गुप्ता एरा, क्योंकि गुप्ता एरा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी श्री गुप्त ने करी थी 240 एडी में। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, गुप्ता एरा ने की 5, केवल ऑप्शन बी में ऐसा है जहाँ पे मेंशन है 1 के बाद 5, यानी कि पहले आएगा विक्रम एरा, फिर शक एरा, फिर गुप्ता एरा। ठीक है, गुप्ता एरा के बाद में क्या आया, नंबर टू कौन सा है, कलचुरी एरा। देखो कलचुरी की दो ब्रांचेस थी, एक थी माहिष्मती और एक थी त्रिपुरी। तो माहिष्मती का जो समय था वो 6th से 7th सेंचुरी एडी था और त्रिपुरी का 7th to 13th सेंचुरी एडी, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, जो अर्लियर वाला था यानी कि माहिष्मती वाली जो ब्रांच थी तो वो 6th to 7th सेंचुरी एडी थी। जबकि अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 606 एडी में हुआ था। ठीक है, यानी कि वो 7th सेंचुरी एडी में पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कलचुरी के बाद में हर्ष का एरा आएगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, पहले आएगा विक्रम एरा, उसके बाद में शक एरा, फिर आता है गुप्ता, फिर आता है कलचुरी, एंड लास्ट में आता है हर्षवर्धन का एरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नलायरा दिव्य प्रबंधम, नलायर दिव्य प्रबंधम क्या है, वंस अगेन नलायर दिव्य प्रबंधम, तो ये क्या है, कंपोजिशन बाय द अलवार्स कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी, यही राइट आंसर है। ठीक है, अगर नलायरा दिव्य प्रबंधम की बात करें तो जो 12 अलवार सेंट्स हुए थे, अलवार संत थे, अलवार संत किसको पूछते थे, विष्णु के उपासक थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, विष्णु की उपासना करते थे और इन्होंने तमिल भाषा में तकरीबन 4000 श्लोक लिखे हैं और उसी को नलायर दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसके बारे में, तो ये तो अलवार सेंट्स के द्वारा कंपोज की गई पोएम थी, बाद में इसको 9th to 10th सेंचुरी में एडी में इसको कंपाइल किया गया किसके द्वारा, नाथ मुनि द्वारा। ठीक है, नाथ मुनि, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर भूनी पाचरा एंड दोपाटी मेंशन फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णव रिफॉर्मर्स ऑफ मेडिवल असम, तो जो मेडिवल असम के वैष्णव रिफॉर्मर्स थे उनकी बायोग्राफी में कई बार जिक्र मिलता है, भूनी का, पाचरा का और दोपाटी का, ये है क्या। ठीक है, तो ये एक्चुअल में पीसेज ऑफ मेंस क्लोथ्स, तो जो पुरुष थे उनके कपड़े हुआ करते थे। अगर भूनी की बात करें तो ये धोती हुआ करती थी। ठीक है, धोती को भूनी कहा जाता था, जो घुटनों के नीचे तक इसका इसको लपेटा जाता था, कवर किया जाता था, तो ये होती थी धोती। पाचरा क्या होता था, तो ये एक तरीके से जो शरीर को ऊपरी शरीर को लपेटने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था पाचरा। और जो दोपाटी है ये डबल फोल्डेड स्काफ, या इसको जैसे दुशाला कह सकते हो, ठीक है, गमछा आज के समय में जो है। तो ये तीनों जो पोशाकें हैं ये पुरुषों की पोशाकें हुआ करती थी मेडिवल असम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, चेयरमैन कौन था रॉलेट एक्ट लाने वाला, तो वो कौन था, सिडनी रॉलेट। ठीक है, बात करते हैं, इट वॉज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म टू अपोज एक्ट, नहीं, खिलाफत कमेटी किस लिए फॉर्म की गई थी, जो वहाँ पे जब टर्की ने जो खलीफा की पोस्ट को डिमोलिश कर दिया था, एबॉलिश कर, डिमोलिश तो नहीं यूज़ होगा, एबॉलिश होगा, तो खलीफा की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया था ब्रिटिश ने, उसके खिलाफ में खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये तो रॉलेट एक्ट से संबंधित नहीं। ठीक है, दूसरा है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट है, वाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, गलत, गांधी जी का अरेस्ट नहीं हुआ था। अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में, तो इसको एक एक्ट कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। ठीक है, और इसमें एक फ्रेज काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, इस एक्ट के हिसाब से जो ब्रिटिश थे वो किसी को भी चाहते तो अरेस्ट कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे, और उसमें एक फ्रेज था कि ना वकील, ना दलील, ना अपील, यानी कि आप किसी भी तरीके से आप उनका अपोज नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश जिसकी भी मर्ज़ी होती, उनकी जो मर्ज़ी होती, जिसको भी चाहते वो जेल में डाल सकते थे, और इसी के खिलाफ में सत्याग्रह किया था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह किया था किसने, गांधी जी ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि दो लोग, कौन कौन से थे वो लोग,
डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलियो, इन दोनों लोगों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इनको जेल से छुड़ाने के लिए, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, रॉलेट सत्याग्रह। तो गांधी जी अरेस्ट नहीं हुए थे, ठीक है, और ना ही दूसरा ऑप्शन सही। राइट आंसर इज़ ऑप्शन वन। तो इसमें कह रहा है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज़ राइट, ठीक है। बाद में इसी की वजह से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महानवमी डिब्बा, ए मैसिव प्लेटफॉर्म। तो एक ऊंची वेदी टाइप की, बहुत बड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बना, महानवमी डिब्बा जिसको कहते हैं, ये क्या है? तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगर, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, विरूपाक्ष टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन इट, नहीं, विरूपाक्ष जो मंदिर है वो इस पर स्थित नहीं है। अगर बात करें इस महानवमी डिब्बा की, तो एक ऊंचा स्थान हुआ करता था जहाँ पे जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने बेसिकली इसकी शुरुआत करी थी। वो क्या करते थे, यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, और साउथ इंडिया में दशहरा को दसरा भी कहा जाता है, और इसीलिए इसको महानवमी डिब्बा के साथ साथ दसरा डिब्बा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज़ करेक्ट, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो इस पर स्थित नहीं है, वो हम्पी में ही स्थित है, बट इस पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन वन, केवल एक सही है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुंदेला रेबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बुंदेला रेबेलियन, जो कि औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, बिल्कुल। तो जो छत्रसाल थे वो शिवाजी के पास गए थे, ठीक है, उनसे सीखने, उनसे पॉलिटिक्स सीखने, डिप्लोमेसी सीखने उनके पास गए थे, ठीक है। छत्रसाल थे कौन, इन्होंने ही पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्थापना करी थी, पन्ना को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके गए। और ये जो चंपत राय थे बुंदेल रीजन के, उनके पुत्र थे, ठीक है, कौन, छत्रसाल। तो पहला तो सही है, ठीक है, शिवाजी ने इनको कहा था, शिवाजी महाराज जी ने इनको कहा कि आप जाइए और औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट शुरू करिए। दूसरा, छत्रसाल लेवीड चौथ लाइक्स मराठास, रॉन्ग। जो चौथ और सरदेश मुखी जो दो टैक्सेस थे वो मराठा लगाते थे। एंड तीसरा ऑप्शन, इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छत्रसाल एंड छत्रसाल वॉज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000, बिल्कुल सही। क्या हुआ था कि एक समय के बाद में जो औरंगजेब है, जब ये यहाँ से गया शिवाजी से मिलने के बाद में छत्रसाल, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट किया, बट उससे जो औरंगजेब था बड़ा मतलब परेशान हुआ। तो एक समय के बाद वो खुद उठ के आया कि मैं अब चलूँगा खुद युद्ध करने। तो उसने क्या किया, उसने आकर के पीस स्थापित करी और इनको कहा कि देखो एक काम करिए, मैं आपको 4000 मनसब दे रहा हूँ, पर आप ये सब मत करिए, ठीक है, रिवोल्ट वगैरह मत करिए। ये मान गए, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने 4000 मनसब लिया, ठीक है। और औरंगजेब ने इनको किंग, राजा की भी उपाधि दी, और तब से इन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया औरंगजेब को, ठीक है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि स्टेटमेंट वन, अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट वन इज़ राइट एंड स्टेटमेंट थ्री इज़ राइट, ठीक है। तो वन एंड थ्री ओनली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच ट्रेड इन मुगल पीरियड, मुगल पीरियड में जो डच का ट्रेड हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली, बिल्कुल सही, हुगली के माध्यम से ये जो है सिल्क गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाई द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप, गलत। क्या गलत है, क्योंकि जो क्लोव यानी कि जिसको हम लौंग बोलते हैं, ठीक है, लौंग और नटमेग, इसका जो ट्रेड हुआ करता था वो यहाँ से नहीं हुआ करता था, सूरत से नहीं होता था। एक आइलैंड है अम्बोन आइलैंड, ठीक है, AMBON, अम्बोन आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ से ये ट्रेड करते थे क्लोव और नटमेग का। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच नेवल फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाई शिवाजी, कौन कौन से फोर्ट्स दुर्गों को इस्टेब्लिश किया था शिवाजी महाराज ने। सुवर्ण दुर्ग, बिल्कुल किया था, विजय दुर्ग, जी हाँ किया था, सिंधु दुर्ग भी उन्होंने ही स्थापित किया था, कोलाबा को ही हम बोलते हैं पद्म दुर्ग, ठीक है, ये अलीबाग दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये चारों फोर्ट्स इन्होंने स्थापित किए थे, इनफैक्ट एक और फोर्ट था जिसको रायगढ़ फोर्ट करते हैं, वो भी इन्होंने ही स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3, 4, ठीक है,
चारों फोर्ट्स शिवाजी महाराज ने स्थापित किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ आसाम इन द मेडिवल पीरियड इज आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट्स हैं, अहोम कास्ट एक्सीलेंट मैच लॉक्स एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीसेस राइट, आसाम अडॉप्टेड न्यू क्राफ्ट्स ऑफ ब्रास कास्टिंग एंड मेकिंग ग्रैन्यूलेटेड शुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल सही। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सरथेबारी विलेज इन कामरूप, ठीक है, वॉज नोन फॉर इट्स स्किल इन मेटल कास्टिंग राइट। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और यहीं पे ही कामरूप से मेरे को याद आया, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कामरूप जहाँ पे है ना आसाम में, वहीं पे ही एक बहुत ही फेमस मंदिर है, शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, कामाख्या देवी टेम्पल। और वहीं पे ही एक मेला सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसका नाम है अंबुबाची मेला। ये कई बार एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चन कि अंबुबाची मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है राइट। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्या, ये आज के CAPF एग्ज़ाम में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने अपने ज्ञान में इजाफा किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।